और 28 अगस्त शुक्रवार को ऊर्जा विभाग में बजट 2019 से विभिन्न पदों पर 9000 पदों की घोषणा हुई, लेकिन ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की तानाशाही, सरकार का भर्तियों के मामले में सिस्टम फेल होने से एक साल बाद भी ऊर्जा विभाग में विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। पिछले दिनों ऊर्जा मंत्री ने कहा कि 1540 विभिन्न पदों पर भर्तियों की मंजूरी जो है वो दी जा रही है, लेकिन तकनीकी सहायक पदों को अभी भी वित्त विभाग से मंजूरी नहीं मिली, ना ही विज्ञप्ति जारी करने की कोई सूचना। इसे देखते हुए राजस्थान बेरोजगार एकत्रित महासंघ जिला सदस्यों की बैठक युवा आक्रोश रैली को लेकर हुई। जिला अध्यक्ष मनोज धलवासिया ने बताया है कि सरकार के एक साल बाद भी तकनीकी सहायक पदों में न तो बढ़ोतरी की और न ही वित्त मंजूरी दी है। इस मांग को लेकर सितंबर माह से युवा आक्रोश रैली को लेकर महासंघ के मुख्य सदस्यों की बैठक हुई। सभी सदस्यों ने सरकार से मांग की, अभी भी समय है कि सरकार बेरोजगार युवाओं को आक्रोश में न लाए, सरकार अपनी घोषणा को अमल में ले और सितंबर माह में ऊर्जा विभाग में तकनीकी सहायक पदों में बढ़ोतरी, तकनीकी सहायक पदों को मंजूरी दे दे। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बेरोजगार युवाओं की सरकार को स्पष्ट चेतावनी है कि तकनीकी पदों में बढ़ोतरी करे, तकनीकी सहायक एवं अन्य पदों पर विज्ञप्ति अतिशीघ्र ऊर्जा विभाग को जारी करना चाहिए ताकि युवाओं का आक्रोश कम हो। मनोज धलवासिया जिला अध्यक्ष कोटा राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ युवा आक्रोश रैली को लेकर महासंघ के मुख्य सदस्यों की बैठक, सरकार बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि विभिन्न पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई थी, लेकिन उसका अभी तक भी कोई आश्वासन हम लोगों को नहीं दिया है। सरकार बेरोजगार युवाओं को आक्रोश में न लाए, बेरोजगार युवाओं की सरकार को स्पष्ट चेतावनी है कि तकनीकी पदों में बढ़ोतरी कर, तकनीकी सहायक एवं अन्य पदों पर विज्ञप्ति अतिशीघ्र ऊर्जा विभाग को जारी करना चाहिए ताकि युवाओं का आक्रोश कम हो। घोषणा हुई, लेकिन एक साल बाद भी ऊर्जा विभाग में तकनीकी सहायक पदों पर भर्तियों की मंजूरी नहीं मिली। ये सरकार की लापरवाही है, ये ऊर्जा विभाग की लापरवाही है। इसे देखते हुए राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ जिला सदस्यों ने निर्णय लिया है, अगले माह पदों में बढ़ोतरी, तकनीकी सहायक पदों में भर्तियों की मंजूरी के लिए युवा आक्रोश रैली का आयोजन अगले माह युवाओं ने रखा है। इसे देखते हुए आज बैठक हुई है, तमाम युवा सदस्य मौजूद है। मनोज धलवासिया जिलाध्यक्ष।